तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो आज निकल रहे हैं अभी यहाँ से उत्तराखंड देहरादून के लिए। तो अभी रास्ते में हूँ यहाँ, और यहाँ से पहुँच रहा हूँ अभी रूम पर। वहाँ शर्ट वगैरह चेंज करेंगे, कपड़े वगैरह पहनते हैं। बैग पैक हो चुका है, और बैग पैक करके निकलते हैं यहाँ से उत्तराखंड के लिए बाई बस। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे पूरी रूट की, और दिखाएंगे क्या क्या मस्ती होती है रास्ते में। तो बैग पैक हो गया है और निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से भी। और पीछे देख लीजिए, यहाँ लकड़ी का काम चल रहा है। इधर ये नई बना है चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह, इधर पूरा पूरा भी लकड़ी काम चल रहा है, सब बिखरा पड़ा है। और यहाँ भी अभी लकड़ी का ही काम चल रहा है, ये देख लीजिए। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से, बस पकड़ते हैं। नीचे आशीष भैया हैं, पहले आशीष भैया से मिलते थे। तो यहाँ से निकल रहे हैं अभी, आप लोग देख लीजिए, यहाँ भी लकड़ी का काम चल रहा है। उसके ऊपर पौधे वगैरह रखे हैं अच्छे से, सनमाइका जो थी वो चिपक जाए। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अंधेरा है, रात के बज चुके हैं, कह बज चुके हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। 10:57 हो गए हैं, नहीं दिख रहे, दिख गए, 10:57 हो गए, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आशीष भैया भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ते हैं पहले। आशीष भैया भाग गए, वो जा रहे हैं आशीष भैया, वो उधर, वो उस साइड आ गए। चलो उनके पास चल रहा है, और यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं, उसके बाद बस पकड़ते हैं और चल रहे हैं यहाँ से उत्तराखंड। आशीष भैया सुनो तो, कहाँ भाग रहे हैं? रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं, रुक जाओ, ले आओ गाड़ी लगा दी इनने आगे, निकल जाने दो एक मिनट। ये इधर गाड़ी लगाए और पीछे गाड़ी लगाए, गाड़ी गाड़ी लगाए हम लोग। आशीष भैया हमने पकड़ लिया, पकड़ नहीं लिया, बहुत लेट आया ये। ऊपर के ब्लॉग बना रहा था ये। अब ब्लॉग तो बनना ही है ना, ब्लॉग बनाता हूँ मतलब क्या होता है, रुकना होता है एकदम से? ना ना, रुकना नहीं होता। तो आप पकड़ तो ली, अब चल रहे साथ में, चल रहे। अच्छा ये बताओ कहाँ चलना है? मजनू टीला जाना है, बाद में कहाँ जाना है? देहरादून जाना, देहरादून में कहाँ जाना है? आई एस बी टी जाना है देहरादून। तो आगे सन्नाटा हो चुका है बिल्कुल, लॉकडाउन से लग जाता है दिल्ली में 11 बजे, ऐसा लगता कोई है नहीं लग रहा। तो अभी एक दो, अब इस टाइम जाएंगे रोड पे, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा रोड में कोई भी। तो यहाँ से देखिए, अभी इस टाइम रोड पर कोई नहीं, एक दो वाहन जा रहे हैं, इस जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। 11 बजे तक यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है पूरा। तो अभी देख लीजिए आशीष भैया के पास क्या कर रहे हैं, अंदर अंदर से पैसा निकाल रहे हैं। कैसे निकाला जाता पैसा आशीष भैया? कैसे पैसा निकाला जाता है? ए टी एम से कोई क्या करेंगे यार, मशीन का भी एक दो नोट ज़्यादा नहीं दे सकती है भाई, गिन के देती है। कम दे देगी, ज़्यादा नहीं देती। देख लो मशीन भाई, कम दे देगी, ज़्यादा नहीं देती। कम देती है, ज़्यादा नहीं देती। एक नोट ज़्यादा दे दे तो क्या हो जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा ना? कहाँ नुकसान होगा यार, इतना ज़्यादा बड़ा था, बड़ा पड़ा है, पता भी दे देंगे, गिन के देती है। अच्छा चलो ठीक है, दे रहा कितना निकालती भैया? तो एक ही निकाल, ट्रांजेक्शन पेंडिंग में। देखो मशीन आवाज़ आ रही है पैसा गिनने की। कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से? वो कहाँ से निकलते हैं? एक मिनट, कितने ए निकल आए, देखा जाए, ला हमें तो कार्ड निकाल दो। देखो गरम गरम नोट हैं यार, एकदम गरम गरम नोट निकाले हैं, 1000 हैं पूरे पूरे। चलो इसी से आइस करेंगे, कैश पे ऐस। चल रहे हैं यहाँ से, पैसा निकाल लिया और चल रहे हैं अब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने, ऑटो ढूंढ रहे थे, ऑटो मिला नहीं। और अभी हम आए इधर नेशनल हाईवे पर जो दिल्ली में है, तो यहाँ से जा रहे हैं अभी पकड़ते हैं। और इधर देखिए आप, लाइट चलती हुई आपको दिख रही होगी, ये सिग्नेचर ब्रिज है यहाँ पर। नाम तो आपने सुना ही होगा, सिग्नेचर ब्रिज, तो वो है यहाँ पर, उसकी लाइट जल रही, बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम पर कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा, वरना आप लोगों को दिखाते ज़रूर। तो चल रहे हैं अभी बस पकड़ते हैं, और बस पकड़ते हैं चलते हैं फिर। कहाँ चलना है? देहरादून। सामने बस लगी है, सामने बस में बैठते हैं और चलते हैं। ये देखिए पीछे बस है, बस में आ गए हैं, बस ये लगी है, बस में बैठते हैं ऊपर और चलते हैं, ठीक है। बने रहिए ब्लॉग में, आपको रास्ते की भी डिटेल दिखाएंगे। यार ऑटो मिला नहीं था, तो इसलिए पैदल आना पड़ा 2 किलोमीटर, पसीना पसीना हो गए। बस में आ चुके हैं फाइनली, और पीछे आशीष भैया हैं। आशीष भैया नहीं दिख रहे होंगे, कहाँ हो आशीष भैया? नहीं है, पर दिखेंगे नहीं ना। लाइट अभी बंद है, और इधर लगे एसी वगैरह चालू हो गई है, पसीना पसीना हो गया, तब थोड़ी राहत मिल रही है बस के अंदर। और बस पूरी खाली पड़ी है आगे लेके पीछे तक, और बस चल रही है इस टाइम, देख लीजिए।
दिख रहा है ना पीछे, बस चल रही है और चलते हैं यहाँ से। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी मैं घोड़े बेचने वाला हूँ और घोड़े बेच के सोऊंगा आज, ठीक है। तो बस अभी सोते हैं इधर ऊपर और उसके बाद मिलते हैं सुबह जब, और अगर कुछ रास्ते में खास चीज़ हुई तो वो चीज़ आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी दोस्तों बिल्कुल अभी अभी आए उतरे हैं यहाँ से, पीछे बस लगी हुई है हमारी, बिल्कुल जस्ट अभी आया हूँ यहाँ पर। और टाइम हो रहा है सुबह के 5:53, तो अभी यहाँ पहुँच पाया हूँ उत्तराखंड देहरादून। और बस आई एस बी टी, अब थोड़ा चाय वाय पीते हैं, चाय वाय पीकर दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ यहाँ। वहाँ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने पीछे, और अभी ऑटो से आए हैं, ऑटो पीछे खड़ा है, सामने कोचिंग में पहुँच गए हैं। यार ये तो भाई है सेंचुरियन डिफेंस, ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है जो लखनऊ में भी इसकी एक ब्रांच है और यहाँ पर भी ब्रांच है। अभी पिछली बार जब मैं गया था तो लखनऊ वाली ब्रांच में गया था, इस बार आया हूँ उत्तराखंड देहरादून बल्लूपुर चौक पर, तो इस वाली ब्रांच में आया हूँ। तो यहाँ थोड़ा काम है, काम वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से फिर दिल्ली के लिए। बने रहिए ब्लॉग में। तो ये देख लीजिए ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, ये रही, और यहीं पर हम लोग आए, थोड़ा यहाँ काम है इस वजह से आया था। ये देख लीजिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, ये सब डिफेंस की तैयारी कराते हैं, इनकी ब्रांचेस वगैरह है लखनऊ में। सूरज निकला है, सुबह हो गई है, 7 बज चुके हैं और पहाड़ों के बीच से सूरज निकला है, बिल्कुल बड़ा अच्छा नज़ारा आ रहा है, एक बार दिखाते हैं आप। तो अभी ऊपर आ चुके हैं और इधर थोड़ा बहुत काम है वो कर लेते हैं, और पीछे का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को कितना बेहतरीन है सुबह सुबह का। अभी मैं ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे का व्यू ये रहा और सामने का व्यू ये रहा, और पहाड़ों का व्यू जो है वो इस साइड से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ देख लीजिए, सुबह सुबह कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप खुद की आंखों से देखते हैं वो ज़्यादा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है नज़ारा। मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी यहाँ। तो अब मैं यहाँ आया हूँ ऊपर छत पर, बिल्कुल टॉप फ्लोर पर। अब यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं बैक साइड का, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह के टाइम का। इधर से स्टार्ट करते हैं, ये देख लीजिए ये शहर बसा हुआ है ये पूरा का पूरा, और उसके पीछे पहाड़ हैं। ये अभी सुबह का टाइम है, बिल्कुल 7:30 का टाइम है लगभग, और यहाँ से देखिए आप नज़ारा। ये मेन जो रोड है, ये रोड है यहाँ, और ये है हमारा चौक, ठीक है। इसके ऊपर से एक ब्रिज गया है, और इधर से नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है इस टाइम। और इधर छोटे छोटे पहाड़ हैं, और इस साइड आप देखेंगे इस साइड खूब सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं। इधर इधर देख लीजिए, इधर बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। अभी सुबह सुबह ओस छाई हुई है पहाड़ों पर, अभी पहाड़ ऐसे लग रहे हैं कि अभी बस गए और 2 मिनट हम चढ़ जाएंगे, ऐसा लग रहा है, केवल फील हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, चढ़ते चढ़ते शाम हो जाएगी और पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए ये वाला पहाड़ भी बहुत ऊंचा है। तो अभी सुबह के टाइम पे तो यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर नज़ारा है। उत्तराखंड में पहली बार आया हूँ, हालांकि कश्मीर शिमला गया हूँ, उधर भी ऐसा ही नज़ारा रहता है, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, हरियाली वगैरह है। और यहाँ जिस स्थान पर मैं हूँ यहाँ तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे वगैरह हैं बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं और बाकायदा बसे हुए हैं, मतलब पहाड़ बिल्कुल किनारे किनारे से हैं और उसके बीच में सिटी है, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा नज़ारा यहाँ पे लग रहा है, देख लीजिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको थोड़ी और चीज़ें दिखाते हैं शानदार। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये जो आपको ओस दिखाई पड़ रही है अभी सुबह के टाइम पर, यहाँ नदी है, और नदी है इसी वजह से आप देख लीजिए इतने ही बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ओस छाई हुई है। तो अभी सुबह का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये इधर सिटी है, उसके पीछे पहाड़ हैं, और इस साइड भी सेम है, इधर देख लीजिए इधर सिटी है पूरी पूरी, इधर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। ये गोंद है, ये आप देख रहे अभी, ये बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, और पिछली बार जो यहाँ छूट गया था वो गोंद बिल्कुल ऐसा हो गया है, ये बिल्कुल पॉलीथीन बन गया है, ये देख रहा है बिल्कुल खींच नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल पॉलीथीन से भी टाइट हो गया है, ये गोंद है बिल्कुल।
और मैंने भी ना रुमाल बांध लिया है, और आशीष भैया इधर काम स्टार्ट कर दिए। एकॉस्टिक आई है, पूरे रूम में लगेगी एकॉस्टिक। पहले गोंद लगाया जाएगा दीवार पे, कहाँ इसके पीछे, ये पीछे लगा रहेगी ऐसे, अभी चिपक जाएगी, दबाना पड़ेगा फिर ये चिपक जाएगी। बल्लूपुर चौक सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पर ही है यहीं, और यहाँ अभी नीचे क्लास चल रही है तो थोड़ा बहुत काम अभी रह गया था, इस वजह से अभी यहीं हैं। अब रात हो जाएगी 8-9 बजे की तरफ बस पकड़ेंगे, उसके बाद दिल्ली पहुँचेंगे। तब तक यहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा बहुत। ये नीचे यहाँ से रोड है, इधर पूरी पूरी गाड़ियाँ आ रही हैं, और इधर आर्मी के ट्रक वगैरह भी खूब चलते रहते हैं। ये देखिए आर्मी का ट्रक जा रहा है, क्योंकि इधर बॉर्डर जो है पास में ही है बिल्कुल, और इधर भी ये रोड बनी हुई है। ये पूरी चौक है, मतलब चौराहा है एक तरह से। उधर देखिए, उधर गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं, और इधर भी गाड़ियाँ हैं, इस साइड भी गाड़ियाँ, इधर भी रोड, उधर भी रोड, और इधर भी रोड, और सामने बिल्कुल पहाड़ हैं ये देखिए। और इस पहाड़ जो आपको दिख रहा है अभी, इसके पीछे बिल्कुल पहुँचे हैं वो मंसूरी है, और यहाँ से अभी 35 किलोमीटर है जो पहाड़ आपको दिख रहा है। तो 35 किलोमीटर अभी कैमरे में कैप्चर हो रहा है, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतने दूर हैं, और बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं अभी। और इधर देख लीजिए, इधर इस साइड देखेंगे तो इस साइड अभी बस सूर्यास्त हो रहा है ना, सूर्य अस्त हो रहा है, और इधर जो ओस छाई हुई है ये नदी है यहाँ पर, ये वाली ये यहाँ पे नदी है। तो नदियाँ यहाँ पे बहुत सारी हैं, क्योंकि पास में ही इधर हिमालय है, इधर इसके पर्वत को पार करेंगे, और लगभग 100 किलोमीटर भी नहीं है, इसके पास में ही हिमालय स्टार्ट हो जाता है इधर से। तो नदियाँ वगैरह जो हैं वो यहाँ से, इधर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो इधर ऐसा मतलब काफ़ी अच्छा व्यू आता रहता है। देखिए फिर जाम लग गया है यहाँ नीचे, जाम नहीं मतलब एक तरह की गाड़ी निकल रही है तो दूसरी तरफ वाली फंस जाती हैं गाड़ियाँ। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है अभी, अभी भी अच्छा लग रहा है, सुबह भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए काफ़ी बढ़िया सिटी है ये, देखिए इस साइड से इस तरफ पूरा पूरा बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। सुबह भी आ रहा था, सुबह तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शाम को भी अभी अच्छा लग रहा है। काम कंप्लीट हो गया इधर का, ये एकॉस्टिक लगा दी, इधर लगा दी, और ऊपर कैमरा क्लिप माउंट लगा दिया, और चल रहा है अभी। कहाँ गए, इधर गए, चलो चलो कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, आओ नीचे, हम दूसरे फ्लोर पर। तो यहाँ से चल रहा है दूसरे फ्लोर पर, लिफ्ट भी चल रही है। इधर आ गए दूसरे फ्लोर पर, यहाँ पानी भर लें बोतल में, प्यास लगेगी रास्ते में। चलो 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 बुलवा, अब इधर से पानी। तो इस टाइम दोस्तों अभी काम वगैरह जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है, और रात के 10 बज चुके हैं अभी, और हम लोग अभी यहीं पर हैं बल्लूपुर चौक। ऑटो अभी यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, तो देख रहे हैं अभी अगर ऑटो वगैरह मिलता है, चल रहा है अभी, बस पकड़ते हैं और उसके बाद चल रहे हैं दिल्ली। पीछे गाड़ी वगैरह बहुत जा रही, लेकिन ऑटो नहीं मिल रहा कोई, ऑटो पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए आप, इधर ये टिकट हो चुकी है हमारी कंफर्म, और यहाँ से निकलते हैं, बस पे बैठते हैं और चलते हैं दिल्ली। हाँ दोस्तों टाइम हो गया, कितने बज गए, 5:08 हुए हैं, और लगभग
12 बजे बैठे थे ना वहाँ से, 12 बजे बैठे थे और टाइम से पहुँचा दिया दिल्ली। तो पहुँच गए हैं ऑफिस, मतलब अपने रूम पर। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।